और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कुछ सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ ही सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए और अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नोएडा और गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, यानी राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के जो इलाके हैं, एनसीआर जो इलाका है, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले की ये बात है जब भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में लोगों ने महसूस किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए घबराकर। बलराम पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, अब से कुछ देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या जानकारी आपके पास? लोगों में किस तरीके का माहौल इस भूकंप के बाद? देखिए, भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं, लेकिन इसकी तीव्रता कितनी थी अभी ये नहीं पता चल पाया है। लेकिन लोगों को जो झटके महसूस हुए हैं उसके बाद लोग घरों से बाहर निकल गए हैं, जो लोग दफ्तरों में थे वो बाहर निकल आए हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल इस भूकंप के झटके से किसी जनहानि की, किसी जानमान की, कोई नुकसान की अभी सूचना नहीं मिली है। लेकिन जो एहसास है भूकंप के झटके का, वो लोगों को हुआ है। शायद यही वजह है कि जो लोग दफ्तरों में थे, ऑफिसों में थे, जो घरों में थे, वो लोग बाहर निकल आए हैं। और अभी भी जो लोग हैं वो घरों के बाहर हैं और उन्हें उम्मीद है कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा भूकंप के झटके आए। यही वजह है कि वो लोग अभी घरों के बाहर खड़े हुए हैं और जो लोग ऑफिसों में थे वो सड़कों पर खड़े हुए हैं और उम्मीद है कि अभी 2-4-10 मिनट तक वो लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। क्योंकि एक दहशत सा माहौल है, जिस तरीके से जो लोग घरों में थे और जो अंदर अपने, कहा जाए एक तरीके से कि लॉकडाउन है, पूरी तरीके से लोग दफ्तरों में नहीं थे, ना ही ऑफिस खुले हुए, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाओं के लिए जो काम कर रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। यही वजह है कि वो लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन पुलिसकर्मी लगातार गश्त दे रहे हैं और यही वजह है कि अब लोग धीरे धीरे उनको समझाया जा रहा है कि वो घरों में रहें और बाहर ना निकलें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन किया जाए। यही वजह है कि अब लोग घरों के लिए जाने के लिए विवश हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भूकंप के झटके आए हैं उसकी वजह से लोगों में एक बिल्कुल बलराम, देखिए घबराहट जरूर हो जाती है जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से हमारे साथ अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, जैसा कि बलराम जानकारी दे रहे थे कि जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए लोग अपने घरों से बाहर आ गए, जो एक आध ऑफिस खुल भी रहे हैं उनके लोग जो है वो ऑफिस से बाहर आ गए। फिलहाल क्या आपके पास जानकारी है, किस तरीके का माहौल देखने को आपको मिला? जी बिल्कुल, अगर साथी बताएं तो भूकंप के जब झटके आए कई सारे लोग जो कि लॉकडाउन की वजह से घर के अंदर है, वो डर की वजह से घर के बाहर निकल आए। दिल्ली पुलिस ने उनको समझाया है लगातार कि आप लोग घर में ही बने रहे, एहतियात बरते। हालांकि अब जो झटके महसूस नहीं किए गए हैं, ये झटके कहाँ से लगे, इसका भूकंप का केंद्र कहाँ था, ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो कई सारे लोग भूकंप के डर की वजह से घर के बाहर आ गए हैं, उनको समझाया जा रहा है कि वापस से वो घर में चले जाए। कुछ लोगों ने घर जाना भी शुरू कर दिया, लेकिन अभी फिलहाल उस तरीके की स्थिति नहीं बनी हुई। कई सारे लोग डरे हुए भी हैं, एक तरफ जहाँ कोरोना वायरस का संक्रमण है, तो वहीं अभी भूकंप के झटके की वजह से कई सारे लोग अब ज्यादा सहम गए हैं और घरों के बाहर इस वक्त निकल आए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार उनसे अपील कर रही है घरों में वापस जाने के लिए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश। तो भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं, लेकिन लॉकडाउन है। आपसे अपील है कि आप अपने घरों में वापस चले जाइए। कुछ ही सेकंड तक के लिए ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसके बाद लोगों में जरूर थोड़ी सी घबराहट जो है वो पैदा हो गई। लेकिन फिलहाल अभी क्या केंद्र रहा है, कितनी तीव्रता रही है, ये जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। अब से कुछ ही देर बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस भूकंप की तीव्रता क्या रही रिक्टर स्केल पर और कहां पर केंद्र रहा भूकंप का। आपसे कुछ ही देर बाद
ये जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर पहले नोएडा दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और जैसे ही लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए वैसे ही जो जहां था वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, जो घर में थे वो लोग घर से बाहर निकलने लगे। हालांकि चूंकि पुलिस की मुस्तैदी है तो तुरंत लोगों को समझाया गया, घरों में वापस भेजा गया क्योंकि लॉकडाउन भी है। और अभी पूरी डिटेल जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है, कुछ ही देर बाद स्पष्ट होगा कि रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता रही और इस भूकंप का जो केंद्र है वो कहां पर रहा। अब से कुछ ही देर बाद ये जरूर साफ हो जाएगा, लेकिन अभी की जो ताजा हालात हैं उसके मुताबिक घबराहट जरूर लोगों में पैदा हो गई थी। और राहत की बात यह है कि इस भूकंप से किसी प्रकार के कोई नुकसान की खबर अभी तक नहीं मिल रही है। दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए लोगों ने। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए लोग घबराहट में अपने घरों से बाहर निकले और तीव्रता जो है रिक्टर स्केल पर वो सामने आ गई है 3.4 जो है वो रही है रिक्टर स्केल पर तीव्रता इस भूकंप की। तो ये भी अपडेट आपको बता दें, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और अब जो ताजा अपडेट मिली है उसके मुताबिक रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 मापी गई है इस भूकंप की। आगे और क्या डिटेलिंग सामने आएगी वो भी जरूर एबीपी गंगा पर हम आपको बताएंगे, क्या केंद्र रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है वो ये है कि जो रिक्टर स्केल पर तीव्रता है इस भूकंप की वो 3.4 यानी 3.4 मापी गई है, जिसके बाद अपने घरों से लोग बाहर निकल गए। हालांकि लोगों को तुरंत घर के अंदर भी भेजा गया क्योंकि कुछ ही देर तक, कुछ ही सेकंड तक ये जो झटके थे वो लोगों ने महसूस किए, कुछ ही सेकंड तक भूकंप जो है वो महसूस किया जा सका। जैसे ही भूकंप के झटके लोग महसूस करते हैं वैसे ही घबराहट होती है और लोग अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से ये जरूरी भी होता है। लेकिन चूंकि अभी पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रहा है, इसलिए जैसे ही लोग अपने घर से बाहर निकले और जैसे ही माहौल थोड़ा ठीक हुआ यानी जैसे ही भूकंप के झटके लगने बंद हुए वैसे ही लोगों को तुरंत उनके घर की तरफ वापस भेज दिया गया। एहतियात से कोरोना को मात, हाथ साफ तो कोरोना साफ, खुद को बचाएं, दूसरों को भी रखें महफूज, दिल मिलाएं, हाथ नहीं, नमस्ते करें, समझदार बनो, कोरोना से बचो।